ओके व्हाट्सएप पे बैक टू जी दोस्तों, आज किस वाले में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग के पास एक जेस्ट मनी का अकाउंट है और आप लोग अपने जेस्ट मनी के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक नए और एकदम लेटेस्ट ट्रिक के साथ आपके सामने आ गया हूँ। और आपको बता दूँ कि ये ट्रिक 100% वर्क कर रहा है। इसको मैं पिछले 20 से 30 दिनों से यूज कर रहा हूँ और अभी यहाँ पर मेरे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और साथ ही में इसी वजह से मैं आपको ये वाले ट्रिक आज शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि कैसे आपको भी यहाँ से ट्रांसफर करना है। जो अभी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों, ये आपके लिए एकदम सही साबित होने वाला है। तो इस वाले वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपको भी अपने जेस्ट मनी का बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना आ जाएगा। साथ ही दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर वीडियो को शुरू करने से पहले कि ये जो तरीका है ये आपको डेली शाम को 6 बजे ही अवेलेबल होता है, डेली शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक। तो अगर आप दिन में ट्राई करते होइए तो आपका काम नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग इसको शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक यूज कर रहे हैं तो 100% आपका मनी जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि अभी आप ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले इसका अकाउंट बनाएं और इसका जो KYC वाला काम है यानी कि आधार कार्ड से KYC करना, वो कर लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड के KYC होने में 3 से 4 घंटे लग जाती है। तो ये वीडियो आप 9 या 10 बजे 11 बजे देख रहे होंगे तो आप अपना अकाउंट बना लीजिए, 3 से 4 घंटे में आपका KYC हो जाएगी। फिर शाम को 6 बजे अपना आप पैसा यहाँ से ट्रांसफर कर लेना। तो चलिए अब बिना देर के वे शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को और आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जेस्ट मनी से बैंक अकाउंट में पैसे लेने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको आना होगा जेस्ट मनी के एप्लीकेशन में। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको अपना जेस्ट मनी का जो लिमिट है वो देख लेना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है कुछ इस तरीके से अमेज़ॉन का, ठीक है। यहाँ पर आपको अमेज़ॉन पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ एक क्रिएट वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर देखिए कुछ इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको कम से कम 3,000 रुपये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3,000 निकालने पड़ेंगे। तो चलिए मैं 3,000 पे क्लिक कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। और उसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट EMI प्लान वाले पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अब आपको EMI चूज़ करने के लिए बोलेगा कि आप ये पैसा 3,000 कितने महीनों में पे करना चाहते हैं। जैसे मैं पे ओवर 3 मंथ वाला चूज कर लेता हूँ। आप यहाँ पर पे इन EMI वाला 6 मंथ या फिर यहाँ पर 9 मंथ वाला भी चूज कर सकते हैं। ये 6 मंथ वाला है, ठीक है। तो मैं 3 मंथ वाला चूज करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कन्फर्म परचेज पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप कन्फर्म परचेज पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर जो है एक ऐसे कूपन ID और नंबर बन के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैं आपको बता दूँ कि वहाँ से आपको एक कोड मिल जाता, तो जो कोड और वाउचर मिल जाता उसके बाद आपको अमेज़ॉन पे अपना ओपन करना होता। और फिर यहाँ पर आपको अमेज़ॉन पे में आकर, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आपको दोस्तों, यहाँ पर अमेज़ॉन पे में आने के बाद यहाँ पर आपको अमेज़ॉन पे बैलेंस में जाकर आपको यहाँ नीचे देखिए ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस, इस पर क्लिक करना होता यहाँ पे। और वहाँ पर दोस्तों फिर आपको वो जो गिफ्ट नंबर मिलता है वहाँ से उसको यहाँ पर इंटर करके कुछ इस तरीके का वो नंबर रहता है, ऐड टू बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आपका बैलेंस अपडेट हो जाता है। अभी मेरे में देखिए 326 रुपये है जो मैंने वहाँ पर ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया दोस्तों। वहाँ पर आपको वही वाला एक नंबर मिलता है तो उसको यहीं से ऐड करना होता है, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। तो आपका यहाँ पर अमेज़ॉन पे में, मतलब कि पहले आपका जेस्ट मनी का बैलेंस आपके अमेज़ॉन पे में कुछ इस तरीके से ऐड हो जाता। अब दोस्तों इसको हमें अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो इसके लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, वो बंद भी होते रहते हैं, आते भी रहते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ एकदम नया तरीका शेयर करने वाला हूँ और अब से आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर मेरी बातों को नहीं सुनेंगे तो आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। वीडियो देखने से मतलब नहीं है, बातों को सुनने से मतलब है। तो यहाँ पर हम जो एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं वो है यहाँ पर एफ पे का। दोस्तों मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और बताता हूँ आप। तो अगर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। और आपको बता दूँ कि अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, Gmail ID डालना है, अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको EKYC का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको डालना है और आपकी KYC हो जाएगी और यहाँ पर ये टिक बन जाएगा। बस आपको काम हो गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है वो देखिए। तो आपको यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे में, यहाँ पर इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन 2 चूज करना है। और यहाँ पर आपको जितने रुपए भी आपने जेस्ट मनी से निकाले, वो 5,000, 10,000, 3,000 या फिर जितना भी आपने ऐड किया है अपने अमेज़ॉन के पे बैलेंस में, ठीक है, उतना आप टाइप कर लीजिए। जैसे कि मेरे में अभी 321 रुपये या 326 रुपये थे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 300 रुपये निकालता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैंने 300 रुपये टाइप कर लिए, अब चलिए मैं ऐड मनी पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही आप ऐड मनी पे क्लिक करेंगे ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करने के बाद,
आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और ध्यान रखें यहाँ पर आपको अब नीचे यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ अमेजॉन पे का जो वॉलेट है उसका ऑप्शन डेली शाम के 6 बजे से ही अवेलेबल होता है। अगर आप लोग दिन में ट्राई करेंगे तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ई वॉलेट पर क्लिक करना है, फ़ोनपे पेटीएम आपको ऐसे दिखेगा, और यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर अमेजॉन पे दिख जाएगा। ठीक है, तो हमें इस अमेजॉन पे वाले पे क्लिक कर लेना है। ध्यान रखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ कि अमेजॉन पे का वॉलेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर वो डेली शाम को 6 बजे से 12 बजे रात तक रहता है। दिन भर ये अमेजॉन पे वॉलेट का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दिन में आप मत ट्राई करना, शाम को ही ट्राई करना। तो चलिए अब हम यहाँ पर पे 315 पे क्लिक करते हैं। और जैसे अब दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब अमेजॉन पे का जो लॉगिन पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 315 पे यहाँ पर प्रोसेस हो रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से लॉगिन पेज आता है। तो यहाँ पर अब आपको अपना जीमेल आईडी जो भी आपका अमेजॉन का हो वो और आप पासवर्ड डाल के साइन इन पे क्लिक करना है। तो वैसे पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपको साइन इन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने आपका अमेजॉन पे का जो बैलेंस होगा वो शो करेगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मेरे अमेजॉन पे में 331 रुपये बैलेंस है और यहाँ 315 रुपये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पे नाउ पे अब क्लिक कर दूंगा और यहाँ 315 रुपये मेरे अमेजॉन पे से कट हो जाएंगे। और ये अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आपको बैंक अकाउंट पर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हमारा हो गया है। यहाँ पर देखिए सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। अब आपको गो टू बैक कर देना है। अब यहाँ ऊपर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 300 रुपये शो कर रहे थे। वीडियो पीछे करके देख लेना, यहाँ पर पहले 10 रुपये शो कर रहा था। ठीक है, अब आपको पे वाले पे क्लिक करना है। और पे वाले से अब आपको कहाँ पैसा लेना है, आप UPI के थ्रू ले सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं, वॉलेट के थ्रू ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर टू बैंक अकाउंट वाले पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ सेलेक्ट टाइप में IMPS सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जिसमें पैसा लेना है वो वाला अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम, कितना रुपए लेना है। यहाँ पर 310 रुपये है तो मैं यहाँ पर 300 रुपये ही निकालूंगा क्योंकि 15 रुपये चार्ज लगा था दोस्तों। तो मैं यहाँ पर चलिए सारा चीज़ें फिल कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों अब आपको जस्ट क्या करना है, कंटिन्यू वाले जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो वैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे आपने कंटिन्यू पे किया यहाँ पर MPIN मांग रहा है। MPIN दोस्तों जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उसमें 4 अंक का आपको पिन रहेगा। ठीक है, वही पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना MPIN डाल लेता हूँ जो मेरे मोबाइल पे आया था। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे वो बस आपका पैसा यहाँ पर आपके अकाउंट में आ गया है तुरंत, इंस्टेंट, 5 मिनट भी नहीं लगता है ये पैसा आपके अकाउंट में आ गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 300 रुपये यहाँ पर ट्रांजेक्शन पेंडिंग शो कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यह पैसा तुरंत ही अभी आपके पैसे अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ डन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ रिपोर्ट वाले पे आप क्लिक करके अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो मैं रिपोर्ट वाले पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो गाजर यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए दोस्तों। ऊपर आप देख लीजिए यहाँ पर पहले 300 रुपये था, अभी 10 रुपये हो गया है। और यहाँ आप देखिए पहले यहाँ पर देखिए जब आपने ऐड किया था अभी आज 11 अप्रैल है 9:18 पे तो 310 रुपये थे। और यहाँ पर अभी देखिए सेंड टू प्रदुम विश्वकर्मा यहाँ पर और 300 रुपये यहाँ पर निकल चुके हैं। तो गाजर आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसा हमारे अकाउंट में आया है कि नहीं, मैसेज आया है कि नहीं पैसा आने का, तो वो आपको मैं मैसेज दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है हमको, अब ओपन करके दिखाते हैं कि इसमें पैसा आया कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों यूनियन बैंक की तरफ से हमको मैसेज आ चुका है, लास्ट का अकाउंट नंबर आप यहाँ पर मैच करवा लीजिए 2019 और 300 रुपये यहाँ पर आप देख पाए क्रेडिट हो गया है। IMPS हमने सेलेक्ट किया था, IMPS के द्वारा आ गया है। और यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर भी आप देख पाएंगे कि ये रेफरेंस नंबर शो कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये आप देख लीजिए इसका रेफरेंस नंबर, यहाँ पर बैंक रेफरेंस नंबर यहाँ पर आप दिखा देता हूँ मैं आपको। लास्ट में यहाँ पर देखिए 449 है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो मैसेज आया है यहाँ पर भी देखिए वही सेम रेफरेंस नंबर है 449। इससे 100% जो प्रूफ हो जाता है कि ये अभी यहीं का आया हुआ पैसा यानी कि यहाँ पे से ही हमारे अकाउंट में आया है। इससे आपको कोई भी अब यहाँ पर ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि यार तू झूठ बता रहा है या फिर गलत बता रहा है। अगर कुछ इस तरीके से आप लोग अपने अमेजॉन पे या फिर आप कह लीजिए जस्ट मनी दोनों का बैलेंस यहाँ से अपने बैंक अकाउंट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आएगा, सारी चीज़ समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ें पूछनी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज वाले वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।